Illustrations have 4, टेस्ट योर नॉलेज है 2, सो सम टोटल हो गया 6, मतलब अभी तक का अपना सबसे छोटा पैक, बट इट कैन हैव बड़ा धमाका। आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जिसका नाम है क्लियर सी एग्जाम्स। और हमारा विजन है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। आई रिपीट, क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। यू कैन रिपीट विथ मी, आई कैन एंड आई विल, आई कैन एंड आई विल, वी विल एंड वी विल। आज करेंगे, अभी करेंगे और सीए बन के रहेंगे, क्योंकि हमें बनना है तो बनना है। तो इस छोटे से पैक को 4 to 6 के इस सिनेरियो को एक वीडियो में फिनिश करेंगे। प्रीवियसली हम लोग टेस्ट और नॉलेज के लिए अलग वीडियो बनाते थे, बट इलस्ट्रेशन 4+2 का रेशियो है 6। काश MS धोनी भी 6 मारते, अभी विराट कोहली भी मारते, तो इंडिया जीतती रहती। लेट इट बी। तो ये है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 और ये है बोरोइंग कॉस्ट। और चलते अपने सीधा बिना किसी बकवास के इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे। चल चल बंदी, या हियर इट इज, दिस वन इलस्ट्रेशन नंबर 1। क्या बोला? एबीसी लिमिटेड हैज टेकन अ लोन $20,000। अच्छी बात है, विदेश से लोन लेके आया बंदा। बंदा नहीं, पूरी कंपनी है, बस बॉस बंदा है, बंदी कोई नहीं है, सीधा कंपनी है। $20,000 का इन्होंने लिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट। तो बेसिकली इट इज अ क्वालिफाइंग एसेट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पेबल एट एनुअल बेसिस। एनुअल रेट है पर एनम 5%। ऑल राइट, ऑन April 1, 2001 द एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसीज 45। मतलब जब ये बंदा लिया, जब ये कंपनी लोन ली US डॉलर में, तो उस समय US डॉलर का रेट था 45 पर US डॉलर, रुपीज 45 पर US डॉलर। जबकि रिपोर्टिंग डेट अपना 31 मार्च 2002 है, तो उस समय वो 5 रुपये, ₹3 इंक्रीज कर गया। तो दिस इज व्हाट द एक्सचेंज गेन और लॉस और एक्सचेंज डिफरेंस, एक्सचेंज डिफरेंस हो गया यहाँ पे। अब आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि करस्पॉन्डिंग अमाउंट कुड हैव बीन बोरोड बाई ABC लिमिटेड फ्रॉम अपना देसी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन लोकल करेंसी एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 11% पर एनम ऑन April 1। उसी डेट पे आप अगर SBI में जाके लोन लेते तो आपको 11% में मिल जाता, ना कोई एक्सचेंज का झमेला रहता, ना कोई US डॉलर का। आपसे वो नहीं पूछा है, आपसे बोला गया भाई साहब ये बताओ उसने ले लिया तो आप उसका क्या अकाउंटिंग करोगे, राय मत दो। अच्छा अच्छा ठीक है, चलते। कंप्यूट द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट बाय ABC लिमिटेड। हमें क्या करना है? कंप्यूट करना है बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, बात खत्म। तो पहली बात क्या कैपिटलाइज्ड होता है? इंटरेस्ट होता है जी। फॉरेन बोरोइंग में 2 चीज कैपिटलाइज्ड होती है, एक इंटरेस्ट और दूसरा दिस इज द इंटरेस्ट प्लस एक्सचेंज डिफरेंसेस और एक्सचेंज लॉस, इफ एनी एक्सचेंज लॉस प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर एक्सचेंज लॉस के ऊपर जाएंगे। एक्सचेंज लॉस को अगर ऐसे कर दिया जाए तो अच्छा दिखेगा ये। ऑलराइट, तो इंटरेस्ट निकालने का सिंपल सा तरीका है, आपके पास $20,000 है, कलर चेंज कर लेना चाहिए आई गेस। $20,000 का आपने लिया है लोन एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, एंड दिस कम्स अराउंड 1000 नो डाउट। एंड व्हाट यू विल डू, करेंसी में कन्वर्ट कर दो अपने करेंसी में, एंड दिस विल कम अराउंड 48,000। 48,000 रुपया आपको तो इंटरेस्ट देना ही होगा, ठीक है। फिर दूसरा कैलकुलेशन करेंगे अपना एक्सचेंज लॉस का। अब एक्सचेंज लॉस कैसे है, अब आपको ये कैसे पता चला? भाई देखो, पहले 45 रुपीज़ था और डॉलर बढ़ गया तो हमें लॉस ही होगा ना। अब बढ़ गया मतलब इंक्रीज हुआ, गेन हुआ डॉलर, रुपीज़ अपना डाउन हुआ, तो इस समय लॉस माना जाता है। अब जैसे सपोज करिए
आपको हमें आपको एक डॉलर देना है, ठीक है? जैसे मैं आपको एक डॉलर दूंगा, तो एक डॉलर के बदले मेरा 45 रुपया खर्च होना था अगर प्रीवियस डेट पे रहता तो। लेकिन हुआ क्या, बाद में वो डॉलर महंगा हो गया, तो मेरे को 48 रुपया दे के एक डॉलर खरीदे, फिर आपको पेमेंट कर दी, तो मेरे को 3 रुपया का लॉस हो गया ना। तो दैट इज़ व्हाट द एक्सचेंज डिफरेंस, एंड दिस डिफरेंस इज एक्सचेंज लॉस। ऑलराइट, नाउ वी विल कैलकुलेट द एक्सचेंज लॉस। एक्सचेंज लॉस कैलकुलेट करने का अगर आपको फॉर्मूला याद हो, हमने बोला था लोअर ऑफ द फॉलोइंग। अगर वो फॉलोइंग अगर आपको याद हो तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, इनको अभी बाद में देखेंगे अपना फॉर्मूला। एक्सचेंज लॉस और बोरोइंग कॉस्ट इन फंक्शनल करेंसी या लोकल करेंसी माइनस एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इन फॉरेन करेंसी। तो इसमें और इसमें जो लोअर ऑफ द फॉलोइंग रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, बोरोइंग कॉस्ट ट्रीट करते हैं, और इसको करते हैं जस्ट अ मिनट साइलेंट कर दिया मैंने, सॉरी। चलिए ठीक है, होता रहता है, होना भी चाहिए। तो एक्सचेंज लॉस लेस क्या, आई मीन एक्सचेंज लॉस और बोरिंग कॉस्ट इन लोकल करेंसी। फोन आने से क्या होता है ना, माइंड डाइवर्ट हो जाता है, मतलब आप यहाँ पे कंसंट्रेटेड रहते हो तो फिर टेनी बजने लगता है, तो उससे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हमें दो चीज़ों में लोअर ऑफ द फॉलोइंग लेना है। पहला तो एक्सचेंज लॉस, मैं फिर से लिख रहा हूँ, आपको रिवाइज भी हो जाएगा, एक्सचेंज लॉस और एक डिफरेंस ये और डाल दीजिए यहाँ पर। डिफरेंस क्या, बोरोइंग कॉस्ट लोकल करेंसी में और बोरोइंग कॉस्ट फॉरेन करेंसी में। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, एक्सचेंज लॉस को और इसको, यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया हुआ है। ये देखिए दिया हुआ, इंक्रीज इन लायबिलिटी ड्यू टू चेंज इन एक्सचेंज डिफरेंस। लायबिलिटी कितनी बढ़ गई इनकी, आपने 20,000 US डॉलर का लोन लिया है, अगर उसको देखा जाए तो 3 रुपया के लॉस के हिसाब से आपकी लायबिलिटी 60,000 इंक्रीज कर गई। तो 60,000 को आपको क्या हो गया, एक्सचेंज लॉस। फिर ये दो लोन अगर इंडियन करेंसी में लिया गया रहता और ये फॉरेन करेंसी में, तो ये आया आपका फॉरेन करेंसी, अरे इंडियन करेंसी में लोन लिया गया है तो कितना पड़ता है? आपको इतना रुपया चाहिए था, 20,000 × 45 इंडियन रुपीज़ में अगर देखा जाए, फिर 11% लगाएंगे तो 99 आएगा। अगर ये इंटरेस्ट अगर उस पर देखा जाए लोकल करेंसी में, आपका तो इंटरेस्ट निकाला ही है 48,000। तो इधर आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, एक्सचेंज लॉस आपका कितना हो गया, 3 रुपया का लॉस है, 3 रुपया का लॉस कितना पे है, 20,000 पे। तो टोटल लॉस आपका 3 रुपया का लॉस 45 से 48 का डिफरेंस। अगर हम लोकल करेंसी में लोन लेते तो SBI का 11% रेट ठोकेंगे, तो 11% तो इंडियन रुपीज़ पे ठोकेंगे ना। तो 20,000 US डॉलर लिया था तो उसमें 45 × करके लोकल करेंसी उसको कितना चाहिए, तो उस पर 11% जब लगाएंगे तो अपना आएगा 99,000। और उसमें से जब फॉरेन करेंसी से लिया तो हमारा क्या इंटरेस्ट पड़ा, जो कि हमने पहले ही कैलकुलेट किया है, 48,000। तो दिस कम्स 51,000, एंड विच वन इज द लोअर ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज 51। सो हम कैपिटलाइज किसको करेंगे, बोरिंग कॉस्ट 51 को लेंगे। हेयर इट इज 48 अपना इंटरेस्ट, हमने बताया था शुरू में ही पहले ही, और ये हो गया आपका एक्सचेंज लॉस। हमने पहले ही आपको बताया था ना कि दो कॉस्ट कैपिटलाइज होती है, तो दूसरा कॉस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। देखिए ये इंटरेस्ट और ये एक्सचेंज लॉस, डन डना डन डन, इज इट ओके? या नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन इज इजी पीजी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अल्फा लिमिटेड ऑन 1st April 2001 बोरोड 9% 30 लाख टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ टू क्वालिफाइंग एसेट।
अल्फा लिमिटेड 1 अप्रैल 2001 को बोरो किया अपने क्वालिफाइंग एसेट को फाइनेंस करने के लिए। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2001 को। द लोन फैसिलिटी वॉज अवेल्ड ऑन इतना तारीख को एंड वॉज यूटिलाइज फ्रॉम द बोला लोन फैसिलिटी वॉज अवेल्ड ऑन 1 अप्रैल 2001। लोन फैसिलिटी अवेल की गई 1 अप्रैल 2001 के लिए एंड वॉज यूटिलाइज एज फॉलोज। और उसको यूटिलाइजेशन ऐसे किया गया बट उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी टेम्पोरली कर लिए गए। अब ये क्वेरी मतलब ये केस है कि आपने लोन लिया, कुछ यूटिलाइज किया, कुछ इन्वेस्ट कर दिया वाला केस। जैसे कि आपके पास फैक्ट्री में कितना लोन, मतलब ये टोटल लोन आपका कितना है ये देख लीजिए। पहले लोन का अमाउंट टोटल करिए, दिस इज 10 लाख्स एंड दिस इज 20 लाख्स। तो पूरा आपने लगा दिया 10+20 इट कम्स टू 30 लाख जो आपने बोरो किया था, ठीक है, 1 अप्रैल को। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि आपने 1 अप्रैल को 5 लाख लगाया था और 10 लाख लगाया था, उसके बाद आपने 6 महीने का क्या लिया, गैप, 6 मंथ गैप है। और उस गैप में आपने क्या किया, इस पैसे को 7% इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर दिया, फिर 7% रिटर्न आपने कमा लिया। तो दिस इज योर इनकम और ये सेट ऑफ हो जाएगा। ये हमने पहले भी बात किया हुआ था जब स्पेसिफिक बोरोइंग को कैपिटलाइजेशन की बात कर रहे थे, तो वही यहाँ पे किया हुआ है कि आपकी बोरोइंग कॉस्ट कितनी हो गई फैक्ट्री बिल्डिंग की, 5 5 10, तो 10 पे 9% एज द रेट इज 9% तो 9% 90,000 हो गया। बट यू हैव एन इनकम एंड व्हाट द इनकम इज 5 लाख पे 7% जो आपने ये आइडियल पड़ा हुआ था, 10 लाख में से आपने 5 लगाए, 5 तो पड़ा हुआ था घर में, तो 5 को आपने क्या लगाया, टेम्पोरली इन्वेस्ट करके 7% कमा लिया सिर्फ 6 मंथ के लिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 6 मंथ हो गया। तो 6 मंथ के लिए आपने यहाँ पे लगा दिया, वही केस यहाँ पे भी है 29 और ये 7%, यहाँ पे 10 पड़ा हुआ था, 10 आपने कमा लिया, तो ये जो दिस विल बी इनकम विल बी रिड्यूस्ड, आपका नेट बोरोइंग कॉस्ट जाएगा, नेट बोरोइंग कॉस्ट इफेक्टिवली आपका कितना खर्चा हो वो जाएगा। और कॉस्ट इनकर 10 लाख है, इधर 20 लाख, इतना इधर कैपिटलाइज हो जाएगा, इतना इधर, दैट्स इट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज इलस्ट्रेशन नंबर 3। इसमें लोन्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, मतलब 2-3 लोन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसको करते हैं अपने डिस्कस। सॉरी फॉर द खांसी, एक्सक्यूज मी, वॉट एवर आई कैन से आई वुड से, मैं कभी कभी होता है ना बोलने से भी खांसी आने लगती है, दैट विल बी प्रोबेबली द रीज़न, और कोई तो रीज़न है नहीं, सो दिस इज हाउ इट इज, क्या कर सकते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं हम बात, बोले ना बतौलेबाज हो गया आदमी, नहीं ऐसा नहीं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते, बीटा लिमिटेड हैड द फॉलोइंग लोन्स इन द प्लेस एट द एंड ऑफ, उसके पास इतना इतना लोन था 14 16 18। 1 अप्रैल 2001 की बात की जाए तो उसके पास 1000 3000, ये भूल जाओ कि 1000 में फिगर दिया हुआ है या कुछ दिया हुआ है, अपने 1000 सिंपल सा लैंग्वेज में बात करें, इधर 1 3 2, ओके। एज ऑन द डेट की बात हो रही कि यहाँ पे इसके पास इतना था और ये इतना था, इसका 2000। 14% डिवेंचर, दिस वन वॉज इश्यू टू फंड द कंस्ट्रक्शन ऑफिस ऑफ द बिल्डिंग ऑन 1 जुलाई 2001 बट द डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैज येट टू स्टार्ट। तो भाई साहब ये 14% डिवेंचर आपको कब लिया गया, 1 जुलाई 2001, ओके। तो जुलाई से आप काउंट कर लीजिए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर प्लस 3 अप्रैल मई छोड़ के, अप्रैल मई जून 3 महीना छोड़ दिया जाए तो 9 मंथ, ओके 9 मंथ के लिए। बट द डेवलपमेंट एक्टिविटी हैज येट टू स्टार्ट, आपने 1 जुलाई को तो ले लिया लेकिन अभी डेवलपमेंट एक्टिविटीज स्टार्ट नहीं हुए हैं, ये आपके लोन का कुछ सिनेरियो है, आप देखिए इसको।
फिर बात आती है 1 अप्रैल 2001 की, बीटा लिमिटेड बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट बीइंग क्वालिफाइंग एसेट यूजिंग द एग्जिस्टिंग बोरिंग्स, पुराने पड़े हुए पैसे को यूज करते हुए इन मैडम साहब ने या फिर इस अल्फा लिमिटेड ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। एक्सपेंडिचर ड्रॉन डाउन फॉर द कंस्ट्रक्शन वॉज रुपीज 5 लाख ऑन 1 अप्रैल एंड 25 लाख ऑन 1 जनवरी। एक्सपेंडिचर जो हुए 1 अप्रैल तक 5 लाख और उसके अगले साल 1 जनवरी 2002 को 25 लाख, ठीक है। आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट दैट कैन बी कैपिटलाइज फॉर द प्लांट। आपना वो खर्चा कितना हो गया भाई, 5 लाख और 25 लाख। आपको ये बताना है कि हम कितना कैपिटलाइज करें, ठीक है। सो चलिए सीधा चलते हैं आंसर की तरफ। तो इस आंसर को एकदम इजीली सिंपल बनाते हैं और आपके को दिखाते हैं कि कैसे होगा। तो चलिए इधर करते हैं अपने इसको सॉल्व। अब यहां पे आपके पास दो बोरिंग है, दो टाइप की बोरिंग्स है, एक एक करके मैं दिखाता हूं। पहले जैसे कि ये जो बोरिंग है 14% डिबेंचर का, 14% डिबेंचर वॉज इश्यूड टू द फंड्स टू कंस्ट्रक्ट, ये एक स्पेसिफिक बोरिंग है, मतलब इसी पर्पस के लिए लिया गया है। अगर आपको याद हो हमने दो बातें आपसे की थी जब हम लोग बात कर रहे थे स्टेप्स टू कैपिटलाइजेशन। जब हम लोग कैपिटलाइजेशन करते हैं तो उसमें दो तरीके से हम लोग कैपिटलाइजेशन करते हैं, एक स्पेसिफिक बोरोइंग के लिए अलग कैपिटलाइजेशन करते हैं और जनरल बोरोइंग के लिए अलग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, अपने कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हैं। इसमें आप लोग कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकालते थे, बोरोइंग कॉस्ट और एवरेज बोरोइंग फंड को कंपेयर करके कैपिटलाइजेशन रेट निकालते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो जनरल बोरोइंग्स है, ये तो जनरल लोन लिया गया है बैंक से, तो दिस इज व्हाट द जनरल बोरोइंग, और ये क्या है स्पेसिफिक बोरोइंग। तो स्पेसिफिक बोरोइंग को स्पेसिफिक बोरोइंग की तरह ट्रीट करेंगे। स्पेसिफिक बोरोइंग में डायरेक्ट बोरोइंग कॉस्ट निकालते थे और लेस कोई इनकम होती थी। ये एक जनरल डिस्कशन हो गया, अब प्रैक्टिकली इसको कैसे किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया गया है, लेकिन इसको हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 था ना कि थर्ड। तो स्पेसिफिक बोरिंग को पहले सॉल्व करते हैं। स्पेसिफिक बोरिंग अपने पास कितना है, हमने 14% डिबेंचर 2000 के लिए हुए हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, एंड दिस हैज बीन टेकन ऑन 1 जुलाई, परफेक्ट, एंड दिस इज इक्वल टू 9 मंथ्स। तो आपने कितना 2000 इंटू 14% इंटू 9/12, ये हो गया 210। क्या कोई आइडियल फंड से इन्वेस्टमेंट है, आई एम सॉरी इनकम है, जी नहीं, जीरो। तो दिस कम्स टू बोरिंग कॉस्ट ऑफ 210। कोई दिक्कत नहीं। अब बोरिंग कॉस्ट में हम लोग एक और चीज चेक करते थे, दैट इज व्हाट कि कमेंसमेंट ऑफ द कैपिटलाइजेशन। तो जब कमेंसमेंट ऑफ द कैपिटलाइजेशन चेक करेंगे इस केस में, तो हम लोग तीन चीजें देखते थे कि एक्सपेंस इंकर्ड हुआ है,
बोरोइंग कॉस्ट इंकर्ड हुआ है और एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है. अगर ऑल दी कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड होंगे तो हम मान लेंगे, तब हम लोग मान लेंगे कि दिस इज व्हाट, दिस इज द कमेंसमेंट ऑफ द कैपिटलाइजेशन. हम बात करें स्पेसिफिक बोरोइंग की, तो क्या एक्सपेंस हुआ है? नहीं, इसमें लिखा हो ना येट टू बी एक्सपेंस. अगर आपको क्वेश्चन याद हो, इसमें लिखा हैज येट टू बी स्टार्टेड, बट द डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैज येट टू बी स्टार्टेड. फंड इश्यू हो गया लेकिन उसने कोई खर्चा नहीं किया, कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज स्टार्ट नहीं की. ठीक है, हाँ, बोरोइंग कॉस्ट इसने 1 जुलाई को ले लिया तो इंकर्ड तो हो ही रहा है, लेकिन एक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हुई है ना कि खर्चा हुआ है. तो इस केस में कमेंसमेंट क्या शुरू हुआ, कमेंसमेंट ऑफ द कैपिटलाइजेशन शुरू हुआ? द आंसर इज नो, नो कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, कोई कमेंसमेंट नहीं. तो 210 विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस, इसको एक्सपेंस में डाल देंगे. फिनिश, ओके, क्लियर है? क्यों हमने इसको एक्सपेंस में डाला? क्योंकि इसका कमेंसमेंट ऑफ द कैपिटलाइजेशन ही नहीं हुआ, मतलब ये कैपिटलाइजेशन शुरू ही नहीं हुआ इसका. देखिए यहां पे भी नहीं डाला हुआ क्वेश्चन में, इसीलिए नहीं डाला हुआ क्योंकि इसका जो कैपिटलाइजेशन शुरू ही नहीं हुआ है, ये सिर्फ जनरल बोरिंग को डाला हुआ है. तो उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे यही रीजन है कि इसका कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन स्पेसिफिक बोरिंग का शुरू नहीं हुआ है. तो ये डाउट आपके मन में रहा होगा, तो डाउट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन कब से शुरू होता है और हमने कब से किया है. तो ये हमने बात कर ली स्पेसिफिक बोरिंग की, अब बात करते हैं जनरल बोरिंग की. जूम आउट कर दिया मैंने, सब छोटा छोटा दिख रहा होगा. तो इसके लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा? कैपिटलाइजेशन रेट. अब कैपिटलाइजेशन रेट निकालने के लिए हमने एक फॉर्मेट बनाया था, बैंक लोन बोरोइंग कॉस्ट बोरोड फंड, दैट इज एवरेज बोरोड फंड. तो बैंक लोन आपका कितना है? 18% बैंक लोन है, ये लोन था बेसिकली. तो ये क्या 18%, ये 16% लोन, दिस इज ऑल्सो बैंक लोन. बोरिंग कॉस्ट क्या है इसका? हमने कितना लिया है, चलिए देख लेते हैं. 18%, 1000 यहां पे भी है और 1000 यहां पे भी है, मतलब ओपनिंग में भी 1000 था और क्लोजिंग में भी 1000 है. 16% जो टर्म लोन है वो भी ओपनिंग में 3000 है और क्लोजिंग में भी 3000. तो होल ईयर आपके पास रहा, तो सीधा सीधा बात है आपके पास 1000 इंटू 18% दैट विल कम्स अराउंड 180. और वैसे यहाँ पे क्या होगा, 3000 इंटू 16% दैट कम्स अराउंड 480. एवरेज फंड कितना है? 1000 को आपने कितना दिन के लिए यूटिलाइज किया? पूरे 12 महीने के लिए, क्योंकि पुराने फंड हैं, 1 अप्रैल से ही पड़े हुए हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ये सारे के सारे फंड, बीटा लिमिटेड बिगन द कंस्ट्रक्शन फॉर द प्लांट यूजिंग द एग्जिस्टिंग बोरिंग, मतलब ये जो बोरिंग्स थी इनको हम लोग क्वालिफाइंग एसेट के लिए यूज कर रहे हैं. तो ये हम लोग मान रहे हैं कि सारे का सारा जो पैसा है दैट इज यूज फॉर द क्वालिफाइंग एसेट, और कोई अदर पर्पज के लिए यूज नहीं हुआ है. ठीक है, तो एवरेज फंड में इसकी क्या वैल्यू आएगी? ये तो 1000 ही रह जाएगा, ये भी 3000 ही रह जाएगा. तो अगर टोटल करें, दिस विल कम अराउंड 660, yeah, and this will be 4000. तो वेटेड एवरेज रेट क्या है या कैपिटलाइजेशन रेट क्या था? ए बाई बी इंटू 100 एंड दिस विल कम अराउंड 16.5%. तो यही चीज आपके प्यारे यहाँ पे किए हुए हैं ये भाई साहब, जो कि आपको समझ में नहीं आया होगा अगर फर्स्ट टाइम आप देखें. तो आप इस तरीके से करें, आराम से समझ में आएगा. एक फॉर्मेट बनाइए कि बोरोइंग कॉस्ट क्या है, बोरोड एवरेज बोरोड फंड क्या है, और उसको हिसाब से फिर निकालिए वेटेड एवरेज रेट या कैपिटलाइजेशन रेट इसको बोलते हैं. अब बात आती है कि क्या कैपिटलाइजेशन होगा, कितना कैपिटलाइजेशन होगा. तो उसके पहले अपने कमेंसमेंट ऑफ द कैपिटलाइजेशन चेक करेंगे. इसमें
बिल्कुल चेक करें, क्या बोरिंग कॉस्ट इसने इंकर्ड कर ली, हाँ, क्या एक्सपेंसेस इसने किए हैं, जी हाँ बिल्कुल, बोला है कि एक्सपेंसेस शुरू हो गए हैं खर्च होने, एक्टिव डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, जी हाँ स्टार्ट हो गई, कब से हुई है, सारी 1 अप्रैल से हुई है, तो कैपिटलाइजेशन कब से शुरू हो जाएगी, 1 अप्रैल से ही कैपिटलाइजेशन, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन विल बी 1 अप्रैल। अब बात करते हैं कितना कैपिटलाइज होगा, 500 खर्चा हुआ है और 2500, मतलब 5 लाख और 25 लाख, ये हमने आपको पता हो एक्सपेंस को हम लोग क्या बोले थे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, आई एम सॉरी क्या डेबिट डेबिट कर, एक्सपेंस इनटू कैपिटलाइजेशन रेट, फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो एक्सपेंस इनटू कैपिटलाइजेशन रेट और जिस जितना मंथ के लिए यूज़ हुआ है, तो ये 12 बाई 12 के लिए यूज़ हुआ है, और ये वाला कब 25 लाख खर्चा हुआ है, 25 लाख कब खर्च हुआ है, 25 लाख खर्च हुआ 3 महीने के लिए, तो ये 3 महीने के लिए आएगा 3/12 एंड दिस विल कम अराउंड, ये फिगर यहां पे दिया हुआ है, ये 12 बाई 12 है इसलिए इसमें कुछ लिखा नहीं है, तो ये आ जाएगा 185625। इंस्टीट्यूट अपना 2 लाइन में सॉल्व कर देता है क्वेश्चन, तो इसलिए दिक्कत हो जाता है, भाई 2 लाइन में क्या समझ में आएगा, अभी हमने डिटेल में डिस्कशन किया तो समझ में आया कि भाई कैसे होता है, तो जनरल बोरिंग आपको कैसे कैपिटलाइज करना है, भाई पहले कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लो, फिर कैपिटलाइजेशन रेट निकालने के बाद जो एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैपिटलाइजेशन रेट इनटू जितने महीने के लिए हुआ है, आई मीन जितना महीना के लिए वो यूटिलाइज हुआ एक्सपेंस, तो जैसे कि 5 लाख 1 अप्रैल को खर्च हो गया तो पूरे 12 महीने के लिए था वो, और 25 लाख 3 महीने के लिए तो 3 महीने तक के कैपिटलाइज करेंगे, तो ये आपका 185625 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर, आपके कमेंसमेंट डेट का क्वेश्चन भी आ गया, एक्स लिमिटेड इज कमेंसिंग अ न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, बताइए फाइनेंस होगा बोरिंग से, द की डेट सर 15 मई 2001 को लोन इंटरेस्ट रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट स्टार्टेड टू बी इंकर्ड, इंटरेस्ट का खर्चा यहाँ पे शुरू हो गया, 2 जून को क्या हुआ, टेक्निकल साइट प्लानिंग कमेंसेस, टेक्निकल साइट प्लानिंग यहाँ से शुरू हुआ 2 जून से, 19 जून से क्या हुआ, एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोजेक्ट स्टार्टेड टू बी इंकर्ड, एक्सपेंडिचर यहाँ से शुरू हो गया और वर्क बोरिंग कॉस्ट यहाँ से शुरू हो गया, 18 जुलाई से कंस्ट्रक्शन वर्क मतलब एक्टिव डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, तो तीनों चीजें आपको मिल गई, तीनों चीजें क्या क्या हैं, बोरिंग कॉस्ट जो पहला डेटा था, एक्सपेंडिचर जो 19 जून को इंकर्ड हुई है, और एक्टिव डेवलपमेंट जो यहां से शुरू हुई है, ये टेक्निकल साइट प्लानिंग आपका शुरू हो गया, तो इसमें आपको बताइए कब ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, जो सबसे डिले होगा जून 19 जून होगा, 15 मई 19 जून तो 15 मई भी सेटिस्फाई हो गया, 2 जून भी सेटिस्फाई हो गया, तो 15th जून विल बी योर कमेंसमेंट डेट, जब सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब सबसे लेट वाले डेट पे सारी सेटिस्फाइड हो जाएंगी, सो वही खींचता है यहाँ पे, आइए नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योर नॉलेज, आर यू रेडी, यस वी आर रेडी, मरीन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ओवर ऑर्डर 3 ships, इट पेज डाउन पेमेंट ऑफ 25% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ईच ships आउट ऑफ द लॉन्ग बोरिंग टर्म्स फ्रॉम अ शेड्यूल्ड बैंक, मतलब 25% वो पे करेगा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का, 3 ships उसने ऑर्डर किया, द डिलीवरी वॉज कमेंसेस फ्रॉम, बोला कि फाइनेंशियल ईयर 2007 से कमेंस होगा, ये 2000 में इसने ऑर्डर किया था, ऑन मार्च 2002 द शिप बिल्डर इन्फॉर्म्स दैट इट हैज कमेंसेस, मार्च 2002 की बात है कि शिप बिल्डर ने बोला कि आपके 1 ship का प्रोडक्शन शुरू हुआ, 3 ship ऑर्डर हुआ है, जिसमें 25% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ इस शिप आउट ऑफ द लॉन्ग टर्म बोरिंग फ्रॉम अ शेड्यूल बैंक, 25% उसने लोन लिया हुआ है, देयर इज नो प्रोग्रेस इन अदर 2, 2 ship में कोई प्रोग्रेस नहीं है, मरीन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन, तो मरीन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, इज इट परमिसेबल फॉर द मरीन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड टू कैपिटलाइज एनी बोरिंग कॉस्ट ऑफ फॉर द फॉलोइंग ईयर एंडेड 31st मार्च, एंड आपसे पूछा गया कि मार्च 2001
और मार्च 2002 तक कोई भी कैपिटलाइजेशन कर पाओगे? कमेंसमेंट ऑफ द कैपिटलाइजेशन का क्वेश्चन है। तो तीन चीज आप चेक करते हो कि कोई एक्सपेंडिचर हुआ है या नहीं, बोरोइंग कॉस्ट इंकर्ड हुआ है या नहीं, एक्टिव डेवलपमेंट शुरू हुआ या नहीं। तो एक्टिव डेवलपमेंट एक्सपेंसेस इन्होंने इंकर्ड कर दिए सपोज करो, और बोरोइंग कॉस्ट भी हो गई, लेकिन एक्टिव डेवलपमेंट की कंडीशन भी कब सेटिस्फाई कर रहे हैं? द डिलीवरी हैज टू बी कमेंस फ्रॉम द फाइनेंशियल डिलीवरी से कोई मतलब? ऑन मार्च 2002 द शिप बिल्डर इन्फॉर्म दैट इट हैज कमेंसेस प्रोडक्शन। सो 2001 में तो कोई एक्टिव डेवलपमेंट हो ही नहीं रही है, 2002 में एक्टिव डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है वो भी मार्च से। सो कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी आएगा मार्च में, ये आंसर भी लिखा होगा। लेट्स सी, एज पर पारा 5 ऑफ इंडेस 23 ये बोला हुआ है, द कमेंसमेंट डेट तीन चीजों पे डिपेंड करती है, तीन चीजें ये रही जो हमने अभी ऊपर बात की वही। तो मरीन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड बोरोड फंड, जिसमें मरीन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने क्या किया, बोरो किया फंड, ये समझाया अच्छे से, चलिए पढ़ते हैं इसको। एंड इंकर्स एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ द डाउन पेमेंट, जिसने उन्होंने डाउन पेमेंट उस समय 2002 में जब खरीदा था तभी डाउन पेमेंट कर दिया था 25% बोरोड फंड लेके। द कंडीशन ए एंड बी आर मेट, आपने बोरोड कॉस्ट भी लग गया, मतलब आपने फंड भी लिया और खर्चा भी कर दिया, तो दो कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई हो गई। लेकिन कंडीशन सी इज नॉट मेट ऑन मार्च 2001, क्योंकि एक्टिव डेवलपमेंट तो बाद में शुरू हुई है, एंड दैट टू ओनली विद रिस्पेक्ट टू वन सिप, और वो भी सिर्फ एक सिप की बात हो रही है, दो का तो छोड़ ही दो। थस देयर इज नो कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 31st March 2002। इवन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31st March 2002, बोरिंग कॉस्ट रिलेटिंग टू द वन सिप whose construction had commenced from March 2000 will be capitalized from March 2002, सिर्फ एक महीने के लिए, all other borrowing costs are expensed। कहने का मतलब ये है जो हमने बोला 2001 में तो कोई भी commencement तो हुई नहीं, ठीक है, 31st March 2002 तक कोई commencement नहीं, तो कोई capitalization नहीं। 2002 में मार्च का जो महीना है सिर्फ वहीं पे कैपिटलाइजेशन होगी, सिर्फ एक महीने के लिए, और बाकी कमेंसमेंट में चला जाएगा, क्योंकि एक्टिव डेवलपमेंट का क्राइटेरिया ही फुलफिल हो रहा है, और वो भी सिर्फ वन सिप के लिए, तीन सिप का नहीं, कैपिटलाइजेशन होगा सिर्फ वन सिप के लिए, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर जाओ। X Limited has a treasury department, मतलब finance department, that arranges fund for all the requirement of the company including funds for working capital and expansion program, कोई बात नहीं। During the year ended, company commenced the construction of qualifying asset के लिए उन्होंने commencement किया, मतलब शुरू किया, उसके लिए जुलाई को इतना खर्चा हुआ और इतना इतना, मतलब ढाई और तीन का खर्चा हुआ 1 जुलाई को और 1 दिसंबर को। The details of the borrowing and interest thereon, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड द कंपनी कमेंसेस द अरेंजेस फंड्स फॉर द ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज फंड्स फॉर वर्किंग कैपिटल एंड एक्सपेंशन प्रोग्राम। इन्होंने वर्किंग कैपिटल और एक्सपेंशन प्रोग्राम के लिए पैसा लिया था, लोन लॉन्ग टर्म है, वर्किंग कैपिटल है, ये ठीक है, टोटल वैल्यू इतनी है आपको बताना। तो ये आप पहली बात तो ये बताइए, जनरल बोरिंग का क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक बोरिंग का? ये जनरल बोरिंग का क्वेश्चन है, देख के तो यही लग रहा है ना, फॉर ऑल द रिक्वायरमेंट। एक्स लिमिटेड हैज अ ट्रेजरी डिपार्टमेंट दैट अरेंजेस फंड्स फॉर ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग फंड्स फॉर द वर्किंग कैपिटल एंड एक्सपेंशन प्रोग्राम। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड मार्च 2002 द कंपनी कमेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वालिफाइंग एसेट एंड इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि वो यूज कहाँ हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है किसी कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट के लिए, तो ये स्पेसिफिक बोरिंग भी हो सकता है। और देखते अपना इंस्टीट्यूट किस काम के लिए, मतलब कैसे यूज किया, इसको स्पेसिफिक माना है या फिर जनरल माना है, इंस्टीट्यूट अपना कुछ भी कर सकता है, बट आप अपना कोई भी एजम्पशन लगा के कर सकते हो, जनरल बोरिंग से भी और स्पेसिफिक बोरिंग से। स्पेसिफिक बोरिंग भी लगा सकते हो कि भाई वो लिया हुआ होगा उस पर्पज के लिए, लेकिन इस पर्पज में यूटिलाइज कर रहा,
आइए देखते हैं अपना प्यारा इंस्टीट्यूट ने क्या किया है। भैया स्पेसिफिक बोरोइंग है, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटलाइजेशन रेट सिंपल से अपना इंटरेस्ट लगाओ 9 मंथ के लिए और ये मंथ। द बोरोइंग कॉस्ट वेटेड एवरेज टोटल रेवेन्यू, नहीं, जनरल बोरोइंग है, जनरल बोरोइंग है भाई साहब, हम तो ऐसे ही बोल दिए थे। तो जनरल बोरिंग में अपना अपने हिसाब से करेंगे, इनको छोड़ो थोड़ा, अपने अपना हिसाब लगाते हैं। लोन बोरिंग कॉस्ट और एवरेज फंड, एवरेज बोरोड फंड। तो इस केस में कितना है बोरिंग कॉस्ट, कैलकुलेट करते हैं। दिया होगा यस, ये रहा 165 और एवरेज बैलेंस भी दिया हुआ, अच्छी बात है। तो एक है 1 लाख और एक 65 और इधर कितना था 15 और 10 ना, आई गेस 10 और 5, 15 10 करोगे तो 20 हो जाएगा ना बस। 10 मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये इजी रहेगा आपको करने के लिए। ये हो जाएगा 15 लाख और ये 165। तो आप क्या निकालना है, कैपिटलाइजेशन रेट या वेटेड एवरेज रेट। कैपिटलाइजेशन रेट क्या होगा इसका, वन दिस इज ए दिस इज बी, तो ए बाई बी इंटू 100 ये वैल्यू आ जाएगा 11%, जैसा कि ऊपर दिया है मैंने मान लिया और सही दिया होगा। फिर अब अपने को क्या करना है, ये दिया हुआ तो है, फिर जो खर्चे हुए उसको वेट के हिसाब से एलोकेट कर देंगे, जितना महीना के लिए हुआ है। जैसे हमने बोला था ना, एक्सपेंस इनटू कैपिटलाइजेशन रेट और फिर इनटू मंथ यूटिलाइज, जिस जितना महीने के लिए है। तो यहाँ पे एक्सपेंस क्या है, एक 2.5 लाख का एक्सपेंस है 11% और एक 3 लाख का एक्सपेंस है 11%। कितना दिनों के लिए वो खर्चा, मतलब कब हुआ, तो उस हिसाब से अपने को डेट देखना होगा। 2.5 और 3 का डेट क्या है, जुलाई से, मतलब ये हो गया 9 मंथ और ये हो गया दिसंबर से, दैट इज 4 मंथ, 9 और 4। तो 9 और 4 के हिसाब से निकालेंगे तो ये आपका आ गया दिस मच एंड दिस इज 31625, दैट्स इट। चलिए बस ये रहा आपका, पूरा खत्म हो गया। जनरल बोरिंग को एक बार आप समझ लीजिए फिर से। जनरल बोरिंग में आपको कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा और जो एक्सपेंसेस हुए हैं उस एक्सपेंसेस पे आपको बोरिंग कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। उस एक्सपेंसेस पे आपको बोरिंग कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, उसको कैसे निकालेंगे, जैसे आपका यहाँ पे खर्चा हुआ 2.5 लाख और 3 लाख, आप इसकी बोरिंग कॉस्ट को निकालोगे, मतलब इसके इंटरेस्ट को निकालोगे और कोई एक्सचेंज गेन और लॉस रहेगा तो बोरिंग कॉस्ट का मतलब आपको पता है। तो 2.5 और 3 में आपने बोरिंग कॉस्ट निकाली, लेकिन आपको ये देखना है खर्चा कब हुआ, तो उस फाइनेंशियल ईयर में इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। अगले साल इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे इसमें 9 महीने के लिए यूटिलाइज हो रहा है और बाकी जब जुलाई में लगा तो 9 महीने के लिए खर्चा होगा और जब दिसंबर में लगा तो 4 महीने के लिए। तो ये दो मेथड आपको लगाने पड़ेंगे, कैपिटलाइजेशन रेट और एक आपको बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा जनरल बोरिंग में, जनरल और स्पेसिफिक। स्पेसिफिक बहुत ईजी है, आप उसको जनरल भी मान सकते हैं और स्पेसिफिक भी मान सकते हैं। मैंने इंस्टीट्यूट ने जनरल मांगना है, हमने मेरे को भी पहली नज़र में जनरल ही दिखा था, बट यू कैन अज्यूम स्पेसिफिक ऑल्सो बिकॉज और कोई डेटा तो दिया नहीं है, बट यू शुड राइट योर अज्यूम्पशन फर्स्ट। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम द इंडियस 23 एंड वी विल कम विथ अनदर इंडियस डेफिनेटली। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। इस वीडियो को जरूर जरूर से शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और फैमिली में तो शेयर नहीं कर सकते दोस्तों के साथ शेयर करिए। फैमिली में अगर आपका कोई पढ़ता है तो उसको शेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए शुक्रिया आप सभी का। बस एक बार याद रखिएगा कि आप हैं तुम्हारी हैसियत। आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, आई कैन एंड आई विल एंड वी विल, आज करेंगे अभी करेंगे और सीए बन के रहेंगे, क्योंकि बनना है तो बनना है, बनना है तो बनना है। चलिए शुक्रिया। We'll be right back.
We'll be right back.